ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फरहत जहां मददगार मौलिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मलखेड़ ताल्लुका सेडम ज़िला गुलबर्गा। बच्चों संवेदा ई लर्निंग क्लास में मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं। बच्चों आज हम दहम जमात के बाब नंबर 16 कुदरती वसाइल के पायेदार इंतज़ाम के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुदरती वसाइल के पायेदार इंतज़ाम के पहले हिस्से का मुताला किया था। सभी के लिए पानी, वाटर फॉर ऑल। बच्चों सबसे पहले हम बांध यानी डैम के मुताल्लुक मालूमात हासिल करेंगे। ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। हमें बांध बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नदियों के इस्तेमाल के लायक पानी को ज़खीरा करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी बारिश के दिनों में जब नदियां भर जाती हैं तो हम ज़ायद पानी को डैमों में ज़खीरा करके इसे हम अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए पानी फराहम किया जा सकता है। तो बच्चों डैमों में ज़खीरा किए गए पानी को हम बर्फ़ी रू तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलाब को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चों बारिश के दिनों में जब नदियां भर जाती हैं तो सैलाब आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में हम ज़ायद पानी को डैमों में ज़खीरा करके सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं। इन बांधों से निकलने वाले नहरों के ज़रिए आप पाशी के लिए पानी को तवील फासलों तक ले जा सकते हैं। तो बच्चों डैमों में ज़खीरा किए गए पानी को हम हमारी फसलों को पानी पहुंचाने के लिए तवील फासलों तक ले जाकर हमें इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बच्चों मैं इन तमाम नुकात को फिर से दोहराती हूँ, गौर कीजिए। नदियों के इस्तेमाल के लायक पानी को ज़खीरा करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बिजली पैदा करने के लिए पानी फराहम किया जा सकता है। सैलाब को कंट्रोल किया जा सकता है। इन बांधों से निकलने वाली नहरों के ज़रिए आप पाशी के लिए पानी को तवील फासलों तक ले जा सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम बांध यानी डैम के मुताल्लुक एक वीडियो देख लेते हैं। बच्चों ये कोटा बैरेज डैम है जो रियासत राजस्थान के कोटा नामी गांव में चंबल नदी पर वाक़ा है। कोटा बैरेज डैम से पानी को आप पाशी के लिए मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाया जाता है। नर्मदा बचाओ तहरीक। इस तहरीक में शामिल लोगों ने नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मुखालिफत की थी। तो बच्चों देखिए नर्मदा बचाओ तहरीक का हम मकसद क्या था? नर्मदा बचाओ तहरीक का हम मकसद नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के से रोकना था। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेधा पाटकर की है। तो नर्मदा बचाओ तहरीक में इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने नर्मदा बचाओ तहरीक की बुनियाद रखी थी। मेधा पाटकर को हम नर्मदा बचाओ तहरीक की बानी कहते हैं। इन्होंने नर्मदा बचाओ तहरीक में अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो देखिए बच्चों बड़े बांधों के मुताल्लुक तनकीद ख़ास तौर पर तीन मसाइल को सामने रखकर की जाती है। नंबर एक समाजी मसाइल, नंबर दो माशी मसाइल, नंबर तीन माहौलियाती मसाइल। तो बच्चों हम इन तीनों मसाइल को एक एक करके तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समाजी मसाइल। इनमें सबसे अहम समाजी मसाइल हैं क्योंकि किसानों और कबाइलों की एक बड़ी तादाद बेघर हो जाती है, इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। बच्चों देखिए कबाइल यानी वो लोग जो जंगल में अपना एक ग्रह बनाकर रहते हैं, गिज़ा और जाय रिहाइश के लिए वो मुकम्मल तौर पर जंगलात पर मुनसर होते हैं। जब हम उन्हें डैम बनाने के लिए जंगलात को तबाह कर देते हैं या काट देते हैं तो वो कबाइली लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से कोई रुपया भी हासिल नहीं होता। दूसरा है माशी मसाइल।
क्योंकि इसमें अवाम का बहुत ज़्यादा रुपया खर्च हो जाता है, इस लिहाज से फ़ायदा हासिल नहीं होता। नंबर 3, माहौलियाती मसाइल। बांध की तामीर से बड़े पैमाने पर जंगलात बर्बाद हो जाते हैं, हयातियाती तनों को खतरा लाहक होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम बांध को की तामीर की खातिर जंगलात को बर्बाद कर देते हैं, काट देते हैं, तो जंगली जानवरों को न तो गिजा मिल पाती है और न ही उन्हें जाय रिहाइश मिल पाती है। इस तरह क्या होता है, हयातियाती तनों को खतरा लाहक होता है। तो चलिए बच्चों, इन तमाम नुकात का हम फिर से एक मरतबा यादा करते हैं। समाजी मसाइल, इनमें सबसे अहम समाजी मसाइल हैं, क्योंकि किसानों और कबाइलों की एक बड़ी तादाद बेघर हो जाती है, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। नंबर 2, माशी मसाइल, क्योंकि इसमें अवाम का बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है और इस लिहाज से फ़ायदा हासिल नहीं होता। नंबर 3, माहौलियाती मसाइल, बांध की तामीर से बड़े पैमाने पर जंगलात बर्बाद हो जाते हैं, हयातियाती तनों को ख़तरा लाहक होता है। समझ में आया बच्चों? वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी को ज़खीरा करने और इन्हें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करने के तरीक़े को हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, वाटर शेड इंतज़ाम यानी वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड इंतज़ाम मिट्टी और पानी के तहफ़ के साइंसी तरीक़े पर ज़ोर देता है, ताकि हयातियाती मादे की पैदावार में इजाफ़ा हो। बच्चों इस तस्वीर में देखिए किस तरह बारिश का पानी मुख्तलिफ मकामात से ढलवान सतह से बहकर आता है और एक ही जगह पर जमा होता है, यानी एक ही पॉइंट पर, यानी नदी में आकर जमा हो रहा है। और जमाशुदा पानी को हम क्या कर रहे हैं, डैंक में, एक डैम में ज़खीरा कर रहे हैं और उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं, वाटर शेड इंतज़ाम कहते हैं। वाटर शेड इंतज़ाम के मकासद, वाटर शेड इंतज़ाम का अहम मकसद ज़मीन और पानी जैसे प्राइमरी वसाइल का फ़र्क है, ताकि सेकेंडरी वसाइल पौधों और जानवरों की पैदावार इस अंदाजे से हो सके कि माहौलियाती तवाज़न ख़राब न हो। वाटर शेड इंतज़ाम के फ़वाइद, वाटर शेड इंतज़ाम से वाटर शेड कम्यूनिटी की आमदनी और पैदावार में इजाफा होता है, ये सैलाब और कहत को कम करता है, निचले बांध और पानी के ज़खायर की ज़िंदगी को बढ़ाता है। तो चलिए बच्चों, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट के अहम नुकात को हम फिर से यादा करने की कोशिश करते हैं। वाटर शेड इंतज़ाम मिट्टी और पानी के तहफ़ के साइंसी तरीक़े पर ज़ोर देता है, ताकि हयातियाती मादे की पैदावार में इजाफा हो। वाटर शेड इंतज़ाम के मकासद, वाटर शेड इंतज़ाम का अहम मकसद ज़मीन और पानी जैसे प्राइमरी वसाइल का फ़र्क है, ताकि सेकेंडरी वसाइल पौधों और जानवरों की पैदावार इस अंदाजे से हो सके कि माहौलियाती तवाज़न ख़राब न हो। वाटर शेड इंतज़ाम के फ़वाइद, वाटर शेड इंतज़ाम से वाटर शेड कम्यूनिटी की आमदनी और पैदावार में इजाफा होता है, ये सैलाब और कहत को कम करता है, निचले बांध और पानी के ज़खायर की ज़िंदगी को बढ़ाता है। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को ज़खीरा करने का कदीम तरीक़ा है। ज़खीरा किए गए पानी को रास्ते तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या ग्राउंड वाटर में रिचार्ज किया जाता है। ये देखिए बच्चों, तस्वीर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को ज़खीरा करने का एक बहुत ही कदीम तरीक़ा है। इसमें ज़खीरा किए गए पानी को हम या तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसे एक टैंक में जमा कर सकते हैं। चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ताल्लुक से हम एक वीडियो देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के दिनों में जब बारिश का पानी घर की छत पर गिरता है, घर की छत के एक किनारे से एक पाइप जुड़ा हुआ होता है। पानी उस पाइप से बहकर फिल्टर में जाएगा। फिल्टर को हम रेत या कंकर से बना सकते हैं। जब पानी रेत या कंकर से बने फिल्टर से गुजरता है, तो उसमें मौजूद गंदगी जैसे कचरा, मिट्टी वगैरह दूर हो जाती है। फिल्टर किए गए पानी को हम पीने के अलावा दूसरे घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फ़िल्टर किए गए पानी को एक पाइप के ज़रिए एक टैंक में ज़खीरा किया जा सकता है। पानी की ज़खीरा अंदोज़ी के क़दीम तरीक़े। राजस्थान में खादिन टैंक और नदियाँ, महाराष्ट्र में बांद्रा और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में योंधी, बिहार में अहारिस और पाइनस, हिमाचल प्रदेश में कोल्हस, जम्मू के कांडी इलाके में पोंड, तमिलनाडु में एरी या तालाब, केरला में सिरंगम, कर्नाटका में कट्टा। चलिए बच्चों, इन नुकात को हम फिर से दोहराते हैं। राजस्थान में खादिन टैंक और नदियाँ, महाराष्ट्र में बांद्रा और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में योंधी, बिहार में अहारिस और पाइनस, हिमाचल प्रदेश में कोल्हस, जम्मू के कांडी इलाके में पोंड, तमिलनाडु में एरी या तालाब, केरला में सिरंगम, कर्नाटका में कट्टा। तो बच्चों, ये तमाम थे पानी की ज़खीरांदोज़ी के क़दीम तरीक़े। रिवायती खादिन निज़ाम। तो बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आबगीर इलाका दिखाई दे रहा है, वो आबगीर इलाके की सतह कैसी है? हमवार सतह है। उसके बाद खादिन या फसल का इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी सतह कैसी है? ढलवान सतह है। उसके आगे एक खादिन बंड, या हम जिसे पानी रोक डैम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पानी रोक डैम को हम सीमेंट कॉन्क्रीट या पत्थर से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आबगीर इलाके में से क्या होता है, बारिश का पानी किधर बहता है? खादिन या फसल का इलाका जिसकी सतह ढलवान है, उस तरफ बहते हुए कहाँ आके जमा होता है? पानी रोक डैम में जमा होता है। तो इस पानी रोक डैम का अहम मकसद क्या है? मौसमी बारिश के पानी की ज़खीरांदोज़ी नहीं है, बल्कि क्या करना है, ज़मीन की मुख्तलिफ परतों में पानी को जज्ब करवाना है, और क्या करना है, उन्हें पौधों के लिए फराहम करना है। तो क्या है, इस तरह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बढ़ाना इस निज़ाम का अहम मकसद है। चलिए बच्चों, रिवायती खादिन निज़ाम को एक वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के फवाइद। वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका ग्राउंड वाटर की सतह को रिचार्ज करता है। जैसे कि देखिए बच्चों, ये ग्राउंड वाटर है, यानी ज़ेर ज़मीन पानी हम जिसे कह सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका क्या करता है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बढ़ाता है। वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए ज़खीरा किया गया पानी पीने के अलावा दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, हम क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए जो पानी ज़खीरा किया गया होता है, हम उसे कपड़े धोने, नहाने, आबपाशी के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अलावा पीने के पानी के। कम्यूनिटी की पैदावार और आमदनी में इजाफा करता है। सैलाब और मिट्टी के कटाव को कम करता है। चलिए बच्चों,
हम इन तमाम नुकात का फिर से यादा करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के फवाइद। वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका ग्राउंड वाटर की सतह को रिचार्ज करता है। वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए ज़खीरा किया गया पानी पीने के अलावा दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कम्युनिटी की पैदावार और आमदनी में इजाफा करता है। सैलाब और मिट्टी के कटाव को कम करता है। सतह ज़मीन के अंदर पानी को ज़खीरा करने के फवाइद। ये पानी भाप बनकर नहीं उड़ता बल्कि ज़मीन के अंदर फैलकर कुएं को रिचार्ज करते हैं। खुश्की के दिनों में नबातात को नमी मुहैया करते हैं। ये मच्छरों की तौलीद के मौके फराहम नहीं करते। ज़मीन की सतह के अंदर का पानी इंसानी और हैवानी फजले के ज़रिए आलूदा भी नहीं होता। तो बच्चों, ये थे सतह ज़मीन के अंदर पानी को ज़खीराअंदाज़ी करने के फ़वाइद। चलिए बच्चों, हम इन नुकात को फिर से दोहराते हैं। ये पानी भाप बनकर नहीं उड़ता बल्कि ज़मीन के अंदर फैलकर कुएं को रिचार्ज करते हैं। खुश्की के दिनों में नबातात को नमी मुहैया करते हैं। ये मच्छरों की तौलीद के मौके फराहम नहीं करते। ज़मीन की सतह के अंदर का पानी इंसानी और हैवानी फजले के ज़रिए आलूदा भी नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में पानी का तहफ़ ये देखिए बच्चों, ये तस्वीर है जिसे हम कोल्हस कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोल्हस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी को झरनों की सूरत में इंसान के ज़रिए बनाए गए रास्तों पर छोड़ दिया जाता है। देखिए बच्चों, पहाड़ी इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोल्हस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी को झरनों की सूरत में इंसान के ज़रिए बनाए गए रास्तों पर छोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मकामी आबपाशी के तरीक़ों को नज़रअंदाज करने के ज़िम्मेदार अवामिल। बड़े बांध और नहरों की तरक्की, जिनसे बड़े बड़े इलाकों को पानी फराहम होता है। बढ़ती हुई आबादी के बाद पानी की ज़रूरियात कई गुना बढ़ गई हैं, जो मकामी आबपाशी के तरीक़ों से पूरी नहीं हो सकती। मकामी आबपाशी के तरीक़े काफ़ी कदीम हैं। काश्तकारी के लिए ज़ायद पानी की ज़रूरत होती है, जो मकामी आबपाशी के तरीक़ों से पूरी नहीं होती। चलिए बच्चों, इन नुकात को हम फिर से दोहराते हैं। बड़े बांध और नहरों की तरक्की, जिनसे बड़े बड़े इलाकों को पानी फराहम होता है। बढ़ती हुई आबादी के बाद पानी की ज़रूरियात कई गुना बढ़ गई हैं, जो मकामी आबपाशी के तरीक़ों से पूरी नहीं हो सकती। मकामी आबपाशी के तरीक़े काफ़ी कदीम हैं। काश्तकारी के लिए ज़ायद पानी की ज़रूरत होती है, जो मकामी आबपाशी के तरीक़ों से पूरी नहीं होती। तो बच्चों, ये थे मकामी आबपाशी के तरीक़ों को नज़रअंदाज करने के ज़िम्मेदार अवामिल। रिकाजी ईंधन क्या हैं? रिकाजी ईंधन कुदरत में पाए जाने वाले नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं। रिकाजी ईंधन कई मिलियन साल कबल नामियाती मादे से बने हैं। ज़मीन की अंदरूनी सतह में अर्जियाती ज़खायर के तौर पर पाए जाते हैं। जानदारों के बाकियात के सड़ने गलने के बाद अंदरूनी दबाव और दर्ज हरारत की वजह से रिकाजी ईंधन में तब्दील हो गए। रिकाजी ईंधन को आज हम एहतराक के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रिकाजी ईंधन न होते तो क्या हम नक़ल व हमल के ज़रायों का इस्तेमाल कर पाते? रिकाजी ईंधन के एतराक से ज़ायद मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इखराज होता है, जिसके नतीजे में आबो हवा में तब्दीली पैदा होती है। नीस कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके नतीजे में सब्ज माहौली असर पैदा होता है। रिकाजी ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। तो देखिए बच्चों, इस तस्वीर में रिकाजी ईंधन के ज़राए कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है और कुदरती गैस। ये क्या है? रिकाजी ईंधन के ज़राए हैं और ये हमारे लिए क्या है? तवानाई के बहुत ही अहम ज़राए हैं। पेट्रोलियम के हासिलात का इस्तेमाल मोटर गाड़ियों और बर्फीरु तैयार करने में किया जाता है। पेट्रोलियम के कौन से हासिलात हम मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल है और डीजल को हम क्या करते हैं? हमारे सवारियों में या मोटर गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं। और पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं? बर्फीरु तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोयले का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में होता है। देखिए बच्चों,
कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट यानी जहाँ पर क्या है हरारती तवानाई से बर्फीरू तैयार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में कोयले को का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी को गर्म करके ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार की जाती है और उस भाप का इस्तेमाल क्या है टर्बाइंस को घुमाने के लिए किया जाता है। इस तरह क्या है थर्मल पावर प्लांट में बर्फीरू तैयार की जाती है। इन ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई अशिया तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी हम कोयला और पेट्रोलियम को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सनतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कई चीज़ों को हम तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये थे रिकाजी ईंधन कोयला और पेट्रोलियम के मुताल्लिक अहम नुकात। चलिए बच्चों, हम इन नुकात को फिर से दोहराते हैं। रिकाजी ईंधन कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए तवानाई का अहम ज़रिया है। पेट्रोलियम के हासिलात का इस्तेमाल मोटर गाड़ियों और बर्फीरू तैयार करने में किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में होता है। इन ज़रायों से हासिल होने वाली तवानाई को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई अशिया तैयार करने के लिए किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम का इंतज़ाम। कोयला और पेट्रोलियम बायोमास से बने होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी बड़े ज़खायर हैं। ये एतराफ़ हो जाएंगे तो अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बढ़ा देंगे, इसलिए हमें इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन जाएंगे। चलिए बच्चों, हम इन नुकात को फिर से दोहराते हैं। कोयला और पेट्रोलियम बायोमास से बने होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी बड़े ज़खायर हैं। ये एतराफ़ हो जाएंगे तो आब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बढ़ा देंगे, इसलिए हमें इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन जाएंगे। चलिए बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के मुताल्लिक हम एक वीडियो देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए बच्चों, इस वीडियो में बढ़ती हुई आबादी की वजह से किस तरह दरख्तों को काटकर घर बनाए जा रहे हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें तैयार करने के लिए सनतें बनाई जा रही हैं, नक़ल व हमल के ज़राए भी बढ़ते जा रहे हैं। सनतों से निकलने वाले धुएँ और सवारियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से कई नबातात मादूम होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानी सेहत पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। रिकाजी ईंधन के एतराक़ से आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ाबी बारिश की वजह बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का दर्ज हरारत बढ़ जाने से आबी जानदारों को बहुत से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलातों के बर्बाद हो जाने से जानवरों को ग़िज़ा और जाय रिहाइश नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो मौत का शिकार हो जाते हैं। दर्ज हरारत के बढ़ने से बर्फ़ के तोदे पिघल जाते हैं, समंदरों की सतह में इजाफा होता है, बर्फीले जानदारों को रिहाइशगाह नहीं मिल पाती, जंगली जानवर मौत का शिकार हो जाते हैं। रिकाजी ईंधन के तहफ़ के तरीक़े। ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद ईंधन का इस्तेमाल करना। ये देखिए बच्चों, आपको तस्वीर में जो भी ज़राए नज़र आ रहे हैं वो क्या है, काबिल तजदीद ईंधन के ज़राए हैं। काबिल तजदीद ईंधन यानी हम जितना भी वो ईंधन का इस्तेमाल करेंगे वो कभी ख़त्म ना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करना, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना। बासलाहियत इंजन का इस्तेमाल करते हुए रिकाजी ईंधन के ज़ाया होने को रोकना। तो बच्चों, हमारे सवारियों में मोटर गाड़ियों में हमें बासलाहियत यानी अच्छी इस्तेदाद वाले इंजन के इस्तेमाल करना चाहिए। हादसाती आग से रिकाजी ईंधन का
तहफ़ तो बच्चों ये थे रिकाजिंदन के तहफ़ के तरीक़े। तो बच्चों इन नुकात को हम फिर से दोहराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद ईंधन का इस्तेमाल, पेट्रोल की जगह CNG का इस्तेमाल, बासलाहियत इंजन का इस्तेमाल करते हुए रिकाजी ईंधन के ज़ाया होने को रोकना, हादसाती आग से रिकाजी ईंधन का तहफ़ चंद माहौल दोस्त पहलू। माहौल दोस्त पहलू यानी ऐसे पहलू जिनको हम अपना करके हैं माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं। ऐसे पहलू को हम क्या कहते हैं, माहौल दोस्त पहलू कहते हैं। सबसे पहले देखिए, इंफरादी सवारी के बजाय बस का इस्तेमाल करना। अगर हम अपने इंफरादी सवारी के बजाय अगर हम बस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, रिकाजी ईंधन यानी पेट्रोलियम की बचत हो जाएगी। बर्फ़ी बल्ब के बजाय CFL या LED का इस्तेमाल करना। अगर हम बर्फ़ी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ी तवानाई ज़ाया हो जाएगी। इसके बजाय हम CFL या LED का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिफ्ट के बजाय CD का इस्तेमाल करना। लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पे बर्फ़ी रोह के बर्फ़ी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या है यहाँ पर इसके बजाय CD का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाड़े के दिनों में हीटर या सेगड़ी जैसे आलात के बजाय एक इजाफी स्वेटर पहनना। सिर्फ वक्त ज़रूरत ही बिजली का इस्तेमाल करना। ट्रैफिक सिग्नल पर मोटर गाड़ियों के इंजन को बंद रखना। देखिए बच्चों, ये थे चंद माहौल दोस्त पहलू। चलिए हम इन नुकात को फिर से दोहराते हैं। इंफरादी सवारी के बजाय बस का इस्तेमाल करना, जाड़े के दिनों में हीटर या सेगड़ी जैसे आलात के बजाय एक इजाफी स्वेटर पहनना, बर्फ़ी बल्ब के बजाय CFL या LED का इस्तेमाल करना, सिर्फ वक्त ज़रूरत ही बिजली का इस्तेमाल करना, लिफ्ट के बजाय CD का इस्तेमाल करना, ट्रैफिक सिग्नल पर मोटर गाड़ियों के इंजन को बंद रखना। ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर घर पर काम है। सबसे पहला सवाल, बांध से मुताल्लुक दरपेश तीन अहम मसाइल कौन कौन से हैं। नंबर दो, वाटर हार्वेस्टिंग के कोई दो फवाइद बताइए। नंबर तीन, हमारे मुल्क में वाटर हार्वेस्टिंग के रिवायती तरीक़ों के नाम बताइए। नंबर चार, रिकाजी ईंधन का एतराफ़ हमारे माहौल को किस तरह मुतासिर करता है। नंबर पाँच, आप तवानाई के बेजा इस्तेमाल को किस तरह कम करेंगे, कम से कम तीन नुकात तजवीज़ करें। चलिए बच्चों, इन सवालात को मैं फिर से दोहराती हूँ। नंबर एक, बांध से मुताल्लुक दरपेश तीन अहम मसाइल कौन कौन से हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के कोई दो फवाइद बताइए। नंबर तीन, हमारे मुल्क में वाटर हार्वेस्टिंग के रिवायती तरीक़ों के नाम बताइए। रिकाजी ईंधन का एतराफ़ हमारे माहौल को किस तरह मुतासिर करता है। नंबर पाँच, आप तवानाई के बेजा इस्तेमाल को किस तरह कम करेंगे, कम से कम तीन नुकात तजवीज़ करें। तो ये थे बच्चों आपका घर पर काम। तो बच्चों, आप इन सवालात को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे हल कीजिए और अपने असातिज़ा से इसकी जांच करवाइए। इम्तिहानात नज़दीक हैं बच्चों, इम्तिहानात की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।